एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है राची द्विवेदी, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में मैंने दिखा आपको मीना पन्ना की बावड़ी, जिसमें सलमान खान की दबंग 3 की मूवी शूट हुई थी वहां पर। अब मैं आपको ले जा रहा हूं आमेर फोर्ट। तो आमेर फोर्ट इस वीडियो में अच्छे तरह से दिखाने वाला हूं। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा जहाँ पर शूटिंग हुई थी, वो आई बटन में ये टॉप में आप देख सकते हैं आ गया है, वो उसको क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें आमेर फोर्ट की, तो आमेर फोर्ट ही नहीं पूरा राजस्थान जो है मैंने कवर किया है विद गाइड, मतलब कितना रुपए लगेगा, कितना क्या खर्चा आएगा, वो सारा कुछ मैंने एक वीडियो में बना रखा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लें, आपको पूरा राजस्थान में घूमने का खर्चा और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आमेर फोर्ट चलते हैं और फिर बताता रहता हूँ छोटी छोटी जानकारियाँ। तो फिलहाल भाई लोग, मतलब रास्ता आमेर किले के अगर पास तक जाना है आपको, मतलब गाड़ी है आपके पास, तो ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं। बावड़ी पे आना होगा आपको। तो फिलहाल एंट्री कर रहे हैं हम आमेर फोर्ट के अंदर। मैंने तो वैसे सोचा था नहीं जाऊंगा, पर ठीक है चले जाते हैं आधे घंटे से ही। और 50 रुपये इसके टिकट है, उसे मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर से दिखाऊँगा आपको। म्यूजिक लगा देना अच्छी, इनको स्पीकर लगा के ये फीलिंग आनी चाहिए। हाँ डालना। सो अभी एंटर कर रहे हैं गेट के अंदर। आमेर फोर्ट में फिलहाल मैं अंदर से आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें टूरिस्ट गाइड हायर करके मैंने बनाया हुआ है, तो वो आप वीडियो देखेंगे आपको पूरी तरह से आमेर फोर्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको। तो ये इंट्रेंस था और ये देख रहे हैं आप, गेट की खासियत ये थी, इसको कर्व इसलिए रखा गया है, कर्व इसलिए रखा गया ताकि हाथियों से अटैक इसमें ना किया जा सके, दैट्स व्हाई। तो चलिए आगे चलते हैं, ज्ञान आगे बांटते रहेंगे हम, आप बने रहें हमारे साथ। तो अभी हम जाने वाले हैं वहाँ, ये आपको सीढ़ी दिख रही है, ये यहाँ पर जाने वाले हैं अभी हम, और ऊपर जितनी हो सके उतनी कोशिश करेंगे। और वहाँ से अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो ये जगह है, यहाँ तक का दिखाऊंगा सीन। यहाँ से अभी मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ से आपको दिखाया था, वो वाला जो गेट है ना, वो वाले गेट के पास खड़ा हुआ था मैं,
और अभी इस साइड आया हूँ, मैंने बोला था उधर जाके दिखाता हूँ। तो ये जो है बहुत अच्छा दिखता है इधर से नज़ारा। अभी थोड़ा और ऊपर है लेकिन अभी मैं जा नहीं पाऊँगा ऊपर तक, क्योंकि लेट हो रहा हूँ और मुझे ट्रेन पकड़नी है दत्वा। तो चलिए चलते हैं एक नई जगह पर फिर से, बहुत अच्छी जगह होगी वो भी जहाँ भी जाएंगे। जयगढ़ फोर्ट, लेकिन जयगढ़ फोर्ट जाने के बाद हमें पता चला कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट और जयगढ़ में लंबी लाइन भी लग रही थी थोड़ा टिकट वगैरह के लिए। तो हमने सोचा कि अब मुझे निकलना चाहिए वापस। तो वहाँ से डायरेक्टली मैं स्टेशन गया और उसके बाद मैं सीधे इंदौर आ गया। तो बस ये ब्लॉग यहीं तक था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो जो आएगा बहुत अच्छा आएगा, स्पेशल आएगा, वो अलग जगह का होगा, डिफरेंट जगह का होगा। तो बस अगर पसंद आया हो थोड़ा बहुत तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।